हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परसोल एसी जेल के बारे में, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पिंपल्स यानी कि जो चेहरे पे एक्ने, कील, मुहासे, दाग धब्बे रह जाते हैं, तो इनकी ट्रीटमेंट में इस जेल का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी प्रॉब्लम्स में इस जेल का काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों, एक्ने, पिंपल्स, की मुहासे, चेहरे पे आना जाना, ये तो एक नेचुरल बात है जिसे हम किसी भी मेडिसिन से परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते। मतलब ये है एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आती रहती है, यानी कि पिंपल्स वगैरह आते हैं, जाते हैं और वक्त के साथ ठीक भी हो जाते हैं और एक उम्र तक ये प्रॉब्लम फिर से आती जाती रहती है। लेकिन इसमें एक बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, वो ये कि इस प्रॉब्लम के चलते हमारे फेस का जो हालत होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक्ने, पिंपल्स, कील, मुहासों के कारण हमारा जो चेहरा है उस पर काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे रह जाते हैं, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, त्वचा बहुत ही रफ दिखने लगती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, पिंपल्स को कम करने के लिए या फिर जो पिंपल्स के कारण दाग धब्बे रह जाते हैं उसे हटाने के लिए या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना पड़े, इसके लिए हम इन एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्रीम के इंग्रेडिएंट के बारे में जान लेते हैं कि इस क्रीम में कौन कौन से ड्रग को ऐड किया गया है और वो किस तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों, परसोल एसी इस जेल में सिंगल कंटेंट देखने को मिलता है जिसका नाम है बेंजोइल परोक्साइड। तो ये यहाँ पर आपको 2.5% की स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है। परसोल एसी इस ब्रांड नेम के अलावा ये क्रीम आपको मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड नेम से देखने को मिलती है, जैसे कि बेंजैक एसी है, बेंजोप जेल है, तो इन कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से भी ये दवा आपको मार्केट में मिल जाती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस क्रीम का इस्तेमाल हर तरह के पिंपल्स, एक्ने, कील, मुहासों की ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यदि आपके चेहरे पे एक्ने, कील, मुहासे, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स के दाग धब्बे रह गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप इस जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये दवा क्या करती है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने नामक बैक्टीरिया को किल कर देती है, जिसके कारण हमें पिंपल्स, एक्ने, कील, मुहासों की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसी बैक्टीरिया को ये दवा किल कर देती है, क्योंकि दोस्तों जब ये बैक्टीरिया हमारे स्किन पर मौजूद होता है तब ये आपके हेयर फॉलिकल को, पोर्स को अटैक करता है, वहां पर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसके चलते हमें पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वैसे दोस्तों, पिंपल्स होने के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी पिंपल्स आते हैं, जिसमें कि आपके स्किन पर केराटिन का लेवल बढ़ जाता है, साथ ही सीबम का सिक्रीशन बढ़ जाता है, उसके चलते भी पिंपल्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जेल क्या करता है, सीबेशियस ग्लैंड से जो सीबम का सिक्रीशन होता है उसे कम कर देता है, साथ ही हमारे स्किन पर जो केराटिन का लेवल बढ़ जाता है उसे भी कम करने का काम ये जेल करता है, और प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने नामक बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। यानी कि ओवरऑल जो पिंपल्स के जो रीजन थे या फिर जो कॉजेटिव एजेंट थे उस पर यह एक तरह से अटैक कर देता है, जिसके कारण हमारे पिंपल्स, कील, मुहासों की प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए तो कम हो जाती है। साथ ही पिंपल्स, मुहासों के कारण चेहरे पे जो रेडनेस रहती है या फिर सूजन आ जाती है तो उसे कम करने का काम भी जेल करता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस जेल को किस तरह से लगाया जाता है, यानी कि इसे लगाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, इस जेल को चेहरे पर या फिर पिंपल्स पर लगाने से पहले एक बार चेहरे को अच्छे से किसी सोप से या फिर फेस वॉश से अच्छे से क्लीन करें, देन चेहरा ड्राई होने के बाद जहाँ पर भी पिंपल से या फिर अफेक्टेड एरिया पे एक थिन लेयर में ये जेल अप्लाई करें और सुबह गुनगुने पानी से अपने फेस को धो लें। ध्यान रहे दोस्तों, जब तक आप इस जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक दिन में धूप में जाने से पहले कोई भी एक अच्छे से सनस्क्रीन जरूर लगाए, इससे आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि साइड इफेक्ट की हम बात करें तो इसके कारण आपकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा ड्राई हो सकती है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप सुबह कोई भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम जरूर अप्लाई करें,
करें ताकि आपकी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहे और कोई भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा कुछ लोगों में त्वचा पर रेडनेस आना, इचिंग होना, ये कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको इस तरह के या फिर कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो आप इस जेल का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।